आपका विजन आपसे 15 अगस्त के बारे में कुछ, उसके लिए आप जनता के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं थोड़ा सा? 15 अगस्त का दिन हमारे भारतवासियों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन सबका एक राष्ट्रीय पर्व है, और 15 अगस्त पे मैं अपने सभी देशवासियों को क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इससे बड़ा पर्व पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले नागरिकों के लिए और दूसरा कोई हो नहीं सकता। पार्षद हैं तो अपने क्षेत्र में आप किस तरीके से? कोविड-19 के कारण जो महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माने नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उनके दिशा निर्देशानुसार पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन किया गया, और लॉकडाउन करने की वजह से जैसे विदेशों में आपने हालात देखे, इस महामारी ने कितना विकराल रूप लिया और कितने लोगों की जानें गई। क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे पास ज़मीन कम और आबादी हमारे 135 करोड़ के लगभग है, इसके बावजूद भी हमारे भारतवर्ष में ये बीमारी उस रूप से पैर नहीं पसार पाई जैसे विदेशों में फैला। कोविड-19 के कारण जितने भी हमारे त्यौहार हैं वो सारे के सारे लोग सोशल डिस्टेंस का नियम का पालन करते हुए घर बैठ के ही शुभकामनाएं दे रहे हैं, और 2 गज की दूरी का फासला करके ही जितने भी त्यौहार, जन्माष्टमी हो, पीछे रक्षाबंधन गई, चाहे हमारे और त्यौहार गए, मजबूरी के आगे प्रकृति के आगे हम सब नतमस्तक हैं। इसलिए अब की बार जो मंदिर या लोग जाकर के जन्माष्टमी का अपना पर्व मनाते थे उस हिसाब से अब की बार नहीं चल रहा। मैं तो अपने क्षेत्रवासियों से कहूँगा सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन करके मंदिर में जहाँ खुले जुड़ जाएं, और इसके साथ साथ अपने घर बैठ के भी भगवान श्री कृष्ण का बोलेंगे।
I'm gonna make you mine.